subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब. एक्स क्या है, मीटर में है, यानी एक डिस्टेंस है. टी इज सेकंड, टाइम सेकंड में है. और जो यूनिट्स क्या करनी है हमें इसकी, फाइंड द यूनिट्स ऑफ एंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी. इसमें यूनिट्स भी फाइंड आउट करनी है. तो देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की ही होनी चाहिए. तो देखो, एक्स की क्या होगी, एल हो जाएगी डायमेंशन, और एक वेरिएबल है, और जो टाइम है उसकी क्या हो जाएगी, टी. इसका स्केयर है तो इसका भी क्या आ जाएगा, स्केयर. तो देखो, ए की डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, टी स्केयर से डिवाइड, एल अपॉन टी स्केयर. तो ये आगे एल टी की माइनस टू. और ये ऐसे लग नहीं रहा है कि ये डायमेंशन तो हमने कहीं पे देखी हुई है. किसकी होती है ये, एक्सेलरेशन की डायमेंशन लग रही है ना, तो ये हो जाएगी एक्सेलरेशन की डायमेंशन. और एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन लिख देंगे, ये होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्केयर. क्लियर है. आप देखो, इसकी करेंगे एक्स की क्या होती है, एल, तो बी टी क्यूब की टाइम क्या, क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. और बी की क्या हो जाएगी, एल अपॉन टी की, ये टी की थ्री से डिवाइड करो और ये ऊपर जाएगा, तो एल टी की माइनस थ्री. तो देखो, एक नई क्वांटिटी आ गई है. तो इसकी जो यूनिट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये एल तो डिस्टेंस है, इसकी तो हो जाएगी मीटर. ये जो कोई भी जो नई क्वांटिटी आई है, चाहे इसका नाम हमें पता हो या ना हो, देखो इसकी हमें तो यूनिट फाइंड आउट करनी है. तो एल की तो क्या हो जाएगी, मीटर. और टाइम की क्या होती है, सेकंड. तो सेकंड की क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी. तो ये आ गई हमारी नई क्वांटिटी की डायमेंशन. ठीक है, ओके. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. नेवर मिस एन अपडेट.